आज बीजेपी, उसका पुराना नाम जनसंघ था, आरएसएस और कांग्रेस, इनको अलग माना जाता है। लेकिन इनकी ओरिजिन की तरफ जाइए, हिंदू महासभा जब भी बनी थी उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट था मालवीय, और मालवीय प्रोबेबली इन 1909 एंड आल्सो इन 1919, ये वेरीफाई किया जा सकता है, ही वॉज साइमल्टेनियसली द प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा एंड कांग्रेस। इसका मतलब प्लेटफॉर्म में एक था उनका। आरएसएस वॉज फॉर्म्ड बाई हेडगेवार, इट वॉज प्रोबेबली इन 1925, बट इट कैन बी वेरीफाइड एग्जैक्ट डेट क्या है। ही वॉज ए कांग्रेस मैन, इसका मतलब हिंदू महासभा का प्रेजिडेंट मदन मोहन मालवीय, ही वॉज ए कांग्रेस मैन। आर एस एस का फाउंडर हेडगेवार, ही वॉज ए कांग्रेस मैन। और 1932 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, उस वक़्त सभी हिंदुओं ने मिलकर गांधी को अकेला रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा है। दैट मीन्स ही रिप्रेजेंटेड नॉट ओनली कांग्रेस, बट ही आल्सो रिप्रेजेंटेड एज पर द डिसीजन ऑफ द हिंदूज देमसेल्स, दैट यू आर द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द हिंदूज और हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस।